हाँ हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस मॉडल का नाम है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। इस प्रिंसिपल का यूज मेनली हम हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारी आर्मी होती है, एक जगह बैठी दूसरी जगह उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करना होता है तो इसका यूज करते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे पास एक रिमोट होता है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ये हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और हमारे जो एंटीना है उसी तक पहुंचाता है। अगर हम यहाँ से कोई भी अगर हमें सिग्नल भेजना होता है मॉडल के पास, तो जो मॉडल में लगा एंटीना जो होता है वो उसे रिसीव करता है और जो हमारे ऑर्डर्स है उन्हें फॉलो करता है। अगर मैं इसमें जो ये चीज़ होती है, ये होती है हमारे मॉडल के एंटीना, ये होता है हमारा डायोड, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ये रिले होता है। इस रिले का मेनली यूज़ होता है जो हमारी एटम बम्स होती है इनका उसमें यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ से इसे सिग्नल दूँगी, अगर हमें बल्ब ग्लो करने हैं तो अगर मैं यहाँ से इसे दबा दूँ तो बल्ब ग्लो कर लेगी। इसे मैंने सिग्नल दिया है कि बल्ब ग्लो होने चाहिए तो हमारा जो बल्ब है वो अगर मैं यहाँ से बल्ब ऑफ करना है, अगर मैं ऑन कर देती हूँ तो बल्ब हमारा ग्लो होता है और अगर मैं ऑफ करती हूँ तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाता है। मतलब ये मेरे सिग्नल्स को समझ रहा है। इसका मेनली यूज हमारे जो आर्मी शोल्डर्स होते हैं उनमें इसका यूज होता है कि ताकि हमारे जो आर्मी शोल्डर है वो हार्म भी ना हो और हमारा वर्क भी हो सकता है। इसका जो इसका यूज एक ड्रोन में भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इसमें अगर कोई मैग्नेट, ये है गैल्वेनोमीटर, इसमें ये होता है कि अगर हम कोई मैग्नेट यूज करते हैं उसका फ्लक्स चेंज करते हैं तो भी वो हमें डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगता है अगर हम किसी और मैग्नेट का यूज करके उसे फ्लक्स चेंज करते हैं। या फिर इसमें तो हम अगर कोई दो फ्लक्स भी एक साथ कनेक्टिविटी ये हमारा मॉडल है। इसके अंदर हम क्या शो कर रहे हैं कि हमारे घरों में लाइट कैसे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लाइट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आते हैं वो आती है हमारे पास 11,000 वोल्ट, वो ट्रांसफॉर्मर में जाती है। और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि जो हमारी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये करता है इलेक्ट्रिसिटी को 220 के अंदर चेंज करता है वोल्टेज में। फिर दूसरा क्या, ये जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर, मीटर क्या करता है रीडिंग शो करता है। रीडिंग आती है हमारी यूनिट के अंदर। यूनिट में क्या है, ये एक यूनिट का मतलब ये है कि एक घंटे के अंदर हम कितनी किलोवाट एनर्जी को यूज कर रहे हैं। फिर दूसरा है एमसीबी। एमसीबी का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका नाम से मतलब पता चल रहा है कि जो हमारे सर्किट को ब्रेक कर रहा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा वोल्टेज जा रही किसी भी अप्लायंसेस के अंदर तो क्या होगा, एमसीबी डाउन हो जाएगी, जिससे हमारा सर्किट ब्रेक होने के बाद शॉर्ट सर्किट में प्रिवेंट होगा। ये पॉजिटिव से पहले पॉजिटिव पे डायरेक्ट होगा, अभी नेगेटिव से नेगेटिव। आवाज तेज एमसीबी तक लाइट पहुंच चुकी है, अभी इसके बाद फिर यहाँ से सारे पॉजिटिव से पॉजिटिव और न्यूट्रल से न्यूट्रल बिठाते जा रहे हैं। इसको यहाँ पे अटैच करना है, सलमान खान आगे जाओ। अभी लाइट यहाँ से कनेक्ट सीधे अब तक हो चुकी है, अभी सारे न्यूट्रल वायर को बिठाते जा रहे हैं। अब इससे पता चल रहा है कि यहाँ तक लाइट पहुँच चुकी है, हमारा सर्किट बिल्कुल सही पहुँच गई। दिखाऊं अभी यहाँ से सारे पॉजिटिव वायर को अटैच करना है।
हमारे यहाँ चार स्विच लगे हैं, चार LED के लिए मॉडल से क्या है क्लास वी आर प्रिपेयर अ मॉडल ऑन अ टॉपिक ऑफ वॉकिंग रोबोट. We are so law of conservation of energy. Energy neither be created nor be destroyed. Energy can change one form to another form. You can see this model. In this model, mechanical electric energy are changed into mechanical energy by motor. Motor can change mechanical energy into kinetic energy, then robot are working. Good morning, sir. I am Divya from class 5th Lotus. Our model name is vacuum cleaner, an electric machine that cleans carpet, etc. And a vacuum cleaner is also known as sweeper or hoover. These are devices that we use an air pump to create particle vacuum to stick up dust or dirt from the floor and from the other surfaces. My name is Rohit Kumar. This model is based on hydraulic JCB. JCB is a vehicle manufacturing company named Joseph Cyril Bamford, which is started in 1945. Now come to the word hydraulic. Hydraulic drive system is a transmission system that uses pressurized hydraulic power to operate hydraulic machinery. This project designing a JCB model works on the principle of hydraulic system. This law, JCB model is hydraulically operated and it is controlled by the movements of fluids. This law works on the Pascal's law states that Pascal's law. प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है या ये बेकार सुपर बनाने के लिए नहीं है पास्कल्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू द वन पॉइंट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम देन द प्रेशर ड्यू टू दैट फोर्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ऑल अदर फ्लूइड्स. Advantage of JCB, it is much frictionless, it doesn't use more energy, it is operated hydraulically. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Kunal. My name is Mayank. I am in 5th class. My project is flow meter. An electrical meter is an electrical device that converts an electrical current into heat. The heating filament inside ever heating and electric heating. Thank you and have a nice day. Thank you. अरे टूट जाएगा या सुन लोगों पे इमेज यहाँ पर ऐसा रिस्की Morning sir, my name is Hansa. I am from 9th standard. He is my friend Mayank. My model are based on physics. My model name is projector. You know about projector, but you have no idea about this. I call to Mayank to explain about this. The projector is a optical device. The projector is a image onto the surface. It's called a projector screen. Most of the projector create on the image by shining the light through a smaller transfer lens. But some the new types of a projector. The projector is emitted by the laser of actual retinal projector. The projector is emitted
retina. Thank you, sir. Explain. Today's projector is a video projector. When we write pass through object and pass through lens, then we see an image. Most of the projectors are used in school, colleges, army camps and office. And this advantage is... And they are my friends, Neha and Pratiksha. Good morning, sir. My name is Ekta and they are my friends, Neha and Pratiksha. We are from 9th standard. Today we are presenting here our photos on historical place Qutub Minar. Qutub Minar is a minaret that forms part of the Qutub complex, a UNESCO World Heritage Site in the Mehrauli area of Delhi in India. Qutub Minar is 72.5 meter tall, tapering tower of 5 stories. Its base diameter is 14.3 meters, reducing to 2.7 meters at the top of the peak. It contains a spiral staircase of 379 steps. Its design is thought to be based on Minaret of Jam in western Afghanistan. Now my friend Pratiksha will tell you about this too. Qutub Minar is built to celebrate the Hindus, Delhi's Hindus' last ruler. The Qutub Minar is the highest tower in India. The construction of the Qutub Minar was started by the Qutubuddin Aibak, but he only constructed the basement. Later it was taken by his successor, Iltutmish, who constructed the 3 more stories. Next, my friend Neha will tell you about it. These stories are completed by the next 2 stories are completed by Rosa Tilde, 10 meter high in the island. Apart from the tower, Qutub Minar complex complete with Qadir Islam Mosque, the first mosque to be built in India, a 7.3 meter high iron pillar, a tomb of Iltutmish, Alai Minar and Alai Tower. Thank you, sir. Good morning, sir. I am Harshita. I read in history. Today we are presenting here a model on historical place India Gate. It the India Gate originally named All India War Memorial was built to pay homage to the 82,000 soldiers of the undivided Indian Army who lost their lives fighting for the British Empire of World War I 1914 to 1918 and the Third Anglo-Afghan War 1919. The foundation stone was nearby the visiting deck of Cannock on 10th February 1921. In a military ceremony attended by members of the Indian Army as well as Imperial Service Troops, the Commander-in-Chief and Paddy Thaizer of First Viscount, who was the Vicar of India at the time at the present. Thank you. Good morning, sir. We are here to represent a model earthquake management. Earthquake is one of the most destructive natural disaster on earthquake. Effect over hundreds of thousands of affected houses caused damage to structure, infrastructure, facility, result in loss of life and cause and injury. Hundreds of thousands of people, district, village and social economic function affected area. Earthquake is caused by destruction of interior of earth, volcanic eruption and deforestation. Good morning, sir. I am Gopal Chauhan from 8th standard and he is my friend Deepak. We prepare a model on the topic of smart city. Smart city is a well-planned city. Smart city have all facilities like that, good infrastructure, sanitation, waste management, efficient urban mobility, public transport, water supply and electricity supply, affordable housing, health and education facility, etc. Purpose is mission to drive the economic growth and improve the life of people. Demand displacement of people, house are expensive, not affordable for every person. Smart city make our life easy. Thank you. इसके बारे में बताओ, explain करो. बताओ इसमें क्या क्या है? सर मेट्रो, हाईवे, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एरिया, स्टेशन, पीसीओ, गार्बेज एरिया. सर ऐसे बताना सिटी. सिटी. आई एम दीपिका ऑफ क्लास 30R. नेम दामिनी वीर एंड वी हैव टू ऑल माय फ्रेंड्स. We have made a science model on the topic of city. We are here to represent our model. A city is a large human settlement. City generally have extensive system for housing, transportation, sanitation, utilities, land, use and communication. They are density facility, integration they are between people, government, organization and business. Sometimes when fitting, if a
starting the process. But we are the great avenue for knowledge, culture and social life which are found in city, because it takes a large population to sport and museum, concert hall, sport team and night life district. City are university, medical and health center, big bus stand, old railway station, backside post office, and big market, factory, etc. We live in a town named Bada Kalava town, chase name, and live in city like Khashoggi, Accent bus station, and railway station, and college, and good health and medical. Good afternoon, sir. I am Vaishali from 4th standard. They are Sujata, Suhani, Sarika are my friend. We have made a science model on the topic of floating windmill and fountain. We are here to represent our model. It is a windmill which is rotated by a fountain. The kinetic energy of moving water is rotating the blades of the windmill. Such windmill can be used for pumping waste, cutting grains and so on. There is also fine turbine which are used in electricity production. The working of which is that principal working of rotating a wind that's a jet of wind turbine through the rotor is connected of the main safety speed which speed and generator conduct electricity. When wind rotates, the blades kinetic energy of the air convert into mechanical energy, and this mechanical energy is converted into electrical energy by the generator. It uses wind energy, which is cheap and clean source of energy. It is environment friendly, it is renewable and sustainable. It reduces fossil fuel consumption, it has low maintenance, it can increase energy security, it can create jobs. It needs adequate supply of wind energy, its installation is expensive, it causes noise pollution, it is a threat to wildlife, but it needs use area. Thank you and have a nice day. Good morning, sir. My name is Nan. She is my friend Upashna. Today we are presenting the model on the topic of rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a process in which water store and use. Next, my friend Upashna is working. These are the clouds that takes water from oceans, rivers, etc. During the rain, the rainwater store at the Tomo building. From the Tomo building, the water is transferred in the tank. From tank, this water is used in agriculture, house, etc. Thank you, sir. Have a nice day. Good morning, sir. I am Dipan Shada and this is my friend Nagul Chauhan. We are prepared a model of an automatic irrigation system. An automatic irrigation system. In present day, a field of agriculture farmers facing many problems about their watering their crops. It is a solution and automatic irrigation system. It is invented by a blast during the years of 1962-1965. Sir, I have a soil sensor and a water pump. When I put the soil sensor into wet soil, the water is off. And when I put into a dry soil, the water is start. Sir, when the Good morning, sir. I am Dian, she is my friend Dian. Going to present our model on working of clouds. Which language do you prefer, Hindi or English? English. These are respiratory organs of our body. So these we take between oxygen and carbon dioxide to sound. Parts of respiratory system are first is trachea. Trachea is also called windpipe. Second, bronchus. In our model, two act as a windpipe, balloon act as dipole lungs, and stretch balloon act as our diaphragm, and bottle act as our chest. As the diaphragm moves down, the area of lungs increases and lungs. And fresh air oxygen reduces and lungs expand. As the diaphragm moves down, the area of lungs increases in and oxygen and fresh air oxygen moves in and lungs expand. As the diaphragm moves up, the area of chest decreases
breathing of lungs. Thank you. Amit and he is my friend Baljit. Today we are representing our model, working model of woman eye. As we all know that eye is the most complex organ in our body. It is present in the socket of our skull. Its diameter is approximately 2.5 cm. And it has three layers. The uppermost layer is sclera, the middle layer is choroid, and the innermost layer is retina. There are two types of photoreceptors, first cone and second rods. Cones are responsible for color vision and sharp detail control. Rods are responsible for night and side vision. Cones are less sensible to light and rods are more sensible to light and working. When the light falls on retina, the image formed in the retina is inverted. And when the optic nerve sends signal to brain, the image formed on the brain is in up straight. Thank you, sir. Have a nice day. Good morning, sir. We are going to represent our model on carbon emission and its effect on global warming. The Earth atmosphere behaves like a big greenhouse and it traps many gases like carbon dioxide, methane, etc. As you know, the sun rays pass through this greenhouse and make it and warm the Earth. Some of the gases reflect back on the Earth and make it 33% more intense. It is good as well as bad because without it, the Earth is not able to support life on this. Now in our model, after industrial coal burning of diesel and petrol, the nuclear which gives carbon dioxide gas. Due to deforestation, there are no plants to use carbon dioxide for photosynthesis. The load of carbon dioxide is called global warming. The causes of global warming is melting of glacier, volcanic eruption, deforestation, drought, flood, etc. So me, Meg, and my friend Man made a mathematical model of the day of any date. With the help of this model, we can find the day of any date. With that, for that purpose, we need three types of code. But this day code, we use 0 to 6, 7 whole numbers. We start with Saturday and ends with Friday. And next number is month code. Month code is 144025036 and 146. We start with January and ends with December. Our next is century code. Century code is 0642, which depend upon century. Suppose we have a date 17-2-2004, in which 17 is our date, 2 is our month, 21st is our century, and year is 4. Here we made 5 blocks. First and fourth block remain same. To fill second block, we use month code. To fill third block, we use century code. To fill fifth block, year is divided by 4. So we know how many leap year are in this year. Next, we add all the 5 blocks. Our addition is 32. Whatever we get, here we get 32. So 32 is divided by 7. 7. Because one week has 7 days. So our remainder is 4. So we use here only remainder. Our remainder is 4. After using day code, 4 is a Wednesday. So we can see that 17 to 2004 is Wednesday. Now you can tell us any date, we can find it right now. 10-10-85. Our century code is 0, 85, and 85, 34, 41, 21, 85, 35, 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
1985 is Saturday. Please explain by this method. So, we have date. Slow. So, we have date 10-10-1985. Okay. So, first and fourth log remain same. जो हमारा फर्स्ट लोग और फोर्थ लोग है वो हमने सेम रख लिया. अब 10 हमारा मंथ है तो हम मंथ कोड यूज़ करेंगे तो मंथ कोड हमारा 1 है. नेक्स्ट वी यूज सेंचुरी कोड 19 सेंचुरी कोड के लिए हमारा 0 है तो यहाँ पे हम 0 यूज़ करेंगे. फिर हम 85 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लीप ईयर इस ईयर में लीप ईयर कितने होंगे. तो हमारे लीप ईयर 21 होंगे. सो नेक्स्ट वी यू ओड होम एडिंग ऑल द 5 ब्लॉक्स. Our addition is 98 hour is addition. After divide 98 is divided by 7, so we know. Naam to bata. Haan ji. Professor, I am Jyoti and he is my class fellow Pawan. We are from 10th standard here to present our model on the topic of triangle. So firstly, I would like to tell you what is a triangle. A triangle is a polygon with 3 sides, 3 angles and 3 median and 3 altitude. There is a division of triangles on the 2 bases. Firstly, on the basis of sides and on the basis of angles. There are 3 types on the basis of sides. First one is scalar, isosceles, equilateral. And on the basis of angles, there are 3 types of triangles. Acute angle triangle, isosceles angle triangle or right angle triangle. Then I show in this model. This is the model of an equilateral triangle. In this triangle, all three sides and all three angles, median, altitude, orthocenter, centroid, circumcenter, all are equal. It is a right angle triangle. In this triangle, the one angle is of 90 degrees. There is a theorem based on this triangle that is given by Pythagoras. The theorem said that the sum of base square and perpendicular square is equal to the hypotenuse square. It is the isosceles triangle. In this triangle, 2 sides are equal and 1 side is not equal. And 2 angles also are equal. It is an equilateral triangle in which all 3 angles are equal to 60 degrees. It is a scalar triangle in which no one sides are equal. And the use of triangles, as it is a polygon, there are many use of triangles. Like as we use them in designing and painting all these sides. Thank you. Abhichak Blood Group. My name is Shashina and he's my class. Good morning. This is Abhichak Blood Group. This is slide, this is pen, this is antidotes, this is spit, and this is cotton. Okay. What is the procedure to check the blood? Volunteers, please. Sir. Okay. We take the volunteer. First, we take a pen and fix needle in it. Second, we pinch. What is the name of these dot? Anti dot D. What is the name? Repeat again. Anti dot A, anti D, and anti B. Okay. What is the name of this? Spirit. Okay.
निकल कौन से ऑपोजिटिव हाउ यू नो सर बिकॉज एंटी डी इज ब्रस्टेड व्हाट इज द मेथड सर व्हेन ए एंड डी आर ब्रस्टेड ए पॉजिटिव ओनली ए आर ब्रस्टेड ए नेगेटिव बी एंड डी आर ब्रस्टेड बी पॉजिटिव ओनली बी एंड ब्रस्टेड बी नेगेटिव व्हेन थ्राइस आर ब्रस्टेड ए बी पॉजिटिव व्हेन ए एंड बी आर ब्रस्टेड ए बी नेगेटिव ओनली डी आर ब्रस्टेड ओ पॉजिटिव एंड नथिंग आर ब्रस्टेड ओ नेगेटिव ओके थैंक यू आप बोलो गुड मॉर्निंग माई नेम इज डॉक्टर कार्तिक माई फ्रेंड नेम इज डॉक्टर अनिकेत दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोमैनिपुलेटर ओके चेक ओके करके दिखाइए इसको बुला लो चलो मैं एडिट करूं क्या बट हाउ कैन कोई बात नहीं कोई वहाँ ठीक है उसे मीटर तो थोड़ा सा टेढ़ा करके हमें दिखाइए हाँ बेटा आगे से हटो What is the high blood pressure and normal? How we know? Normal blood pressure is? Sir, 120 to 129. Systolic or diastolic 80 to 84. Repeat again, what is the normal pressure of? Sir, systolic 120 to 129 or diastolic 80 to 84. इसका मतलब समझाइए नहीं समझ में आया हमें सर सिस्टोलिक सिस्टोलिक का मतलब क्या है हाई हाई ब्लड प्रेशर हेलो मिनट वी आर चेक शुगर दिस इज अ शुगर मशीन एंड दिस इज बैग एंड फिक्स मिडल एंड दिस इज स्ट्रिप्स एंड दिस इज स्ट्रिप ओके What is this? Strip. Normal. दिखाइए एक मिनट व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज चलो वी आर प्रिपेयर अ मॉडल ऑन द टॉपिक ऑफ पार्कर स्पीच माय नेम इज कर एंड दे आर माय फ्रेंड जतिन एंड दीक्षा नाउ माय फ्रेंड दीक्षा टेल अस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन फर्स्ट इज नाउन नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू पर्संस प्लेसेस एनिमल्स और थिंग्स फॉर एग्जांपल द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड द पोस्टमैन कॉमन नाउन प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेकंड इज प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन फॉर एग्जांपल ही इज क्लोजिंग द रोड ही इज प्रोनाउन हियर पर्सनल प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन नाउ माय फ्रेंड दीक्षा टेल अस अबाउट एडजेक्टिव वर्ब एंड Adjective is a word that describes or modifies the noun in a sentence. The magician saw the magic very beautifully. There is one picture and some papers on the floor. Adjective of quality, adjective of quantity, and adjective of number. Verb. A verb is a word which shows an action. Now live in this house. It's adjective verb and transitive verb. Adverb. Adverb is a word that describes a verb. She is dancing gracefully. He is crying very loudly. She is dancing now. Adverb of manner, adverb of time, and adverb of place. Now, my friend, just explain the preposition, conjunction, and interjection.
preposition. Preposition is used to show the relation between a noun or a pronoun in a sentence. There are books on the table. There is a box besides the chair. Conjunction. Conjunction are words used to end words or to sentences. But, and, or, if, because. He invited me because yesterday was his birthday. Interjection. Interjection are words used to express strong feeling or sudden emotion. Hooray, wow. Good afternoon, sir. As you know that today our school is organized an exhibition, so we have prepared an English model on the topic preposition. Now we would like to explain our model. Preposition. Preposition is a word or a phrase placed before a noun or a pronoun to show place, movement, direction, etc. Sir, in this model we have chosen this preposition like under, into, after, before, between, etc. First, under. Under means lower level of something. For example, a bowl under the table. It means bowl is the lower level and table is the upper level. Into express the movement and the action that is enclosed by something. For example, a straw is into the cup. A man is going into the zoo. Here, into express the movement of the man and the straw. After. After means behind of something. For example, number 3 comes after number 2. It means number 3 is behind of number 2. Before. Before means in front of something. For example, number 2 comes before number 3. It means number 2 comes जो भी डाउट वगैरह है पूरा बोलो चलो मेन टॉपिक है हमें ट्रांजिस्टर एनालिसिस इसका प्रिंसिपल और वर्किंग यही है कि हमारा हम मतलब एक जगह बैठे अगर हम किसी दूर जगह पे परफॉर्म क्लास कर तो हम इसी प्रिंसिपल में वो हम उस बॉम को क्लास कर सकते हैं इसका एग्जांपल ये भी है ड्रोन के थ्रू अगर मुझे यहाँ से सिग्नल भेजना है और मुझे इस बल्ब को जलाना है तो मैं यहाँ से सिग्नल भेजूँगी एंटीना रिसीव करेगा बल्ब हमारा जल जाएगा मुझे अब ऑफ करना है तो अब मैं यहाँ से सिग्नल भेजूँगी एंटीना रिसीव करेगा बल्ब हमारा बंद हो जाएगा इसका मेनली यूज़ या तो ड्रोन में भी कर सकते हैं एरोप्लेन के थ्रू रडार सिस्टम में भी हम कर सकते हैं क्या ये कैपेसिटी किसी भी यूज़ किया इसमें एलसीआर बनाना है एलसीआर अब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जैसे ये तो अभी एक ही पर्टिकुलर इसके करेगा पर अगर कोई सेम रिमोट इसके लिए आ गया ऐसा ही तो ये तो हो जाएगी उसके अंदर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर रहे हो जो ये रिसीव कर रहे हो तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट है तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट होगी भाई ऐसी फ्रीक्वेंसी मान लो एक रिमोट और बना तो वो फिर भी तो रिसीव कर लेगा ना इसे तो सेम उसकी वैल्यू अगर सेम रखी जाती है तो रिसीव करेगा तो सर इसमें फिर वो भी तो क्या एरर के चांसेस भी एरर के साइन है एरर का ऐसा है देखो एक टीवी का रिमोट कई बार दूसरी टीवी में लग जाता है ठीक है वो होता है फ्रीक्वेंसी कितनी है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी होगी अगर तुम चाहते हो कि ओवरलैपिंग ना करे तो फ्रीक्वेंसी अपनी बहुत ज़्यादा हाई रखो लो पे तो ओवरलैपिंग होगी अगर लो रखोगे तो लो में भी जो होती है सब लो ही होती है अगर हाई रखोगे उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी अभी नहीं इसका नाम इस प्रोजेक्ट का नाम संगीत मेरा नाम अंशु है मेरी फ्रेंड आज हम बताना चाहते हैं संज्ञा क्या होता है संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं संख्या के तीन भेद होते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा वह होता है जो शब्द किसी जो शब्द किसी के जाति संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे
पक्षी प्राणी आदि जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सेकेंड व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी व्यक्ति की वस्तु स्थान या सबकी विशेषता बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड भाववाचक संज्ञा, किसी शब्द भाव गुण दोष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। थैंक यू। चलो मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊं। किसी वस्तु जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन कहते होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी। किसी शब्द को किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन विकास को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विकार संधि। अब मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। मन के भावों को लिखते समय या बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मैं संध्या, मैं मेरी सहेली, हम आपको अपनी छोटी सी मैरिज से कारक के बारे में बताना चाहते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इनके आठ भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संबंधन, अपादान, संबोधन, संबंध। और आगे ये एक्सप्लेन करें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का बोध उसे कारक कहते हैं, जैसे अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। कर्म वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे दादी जी ने बंदर को देखा। और करण कारक क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। और आगे ये माय मॉडल नेम इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड माय नेम इज राहुल एंड माय नेम इज प्राची। वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर एक्सप्लेन अवर मॉडल इन अ मीन्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट एसरेटिव, सेकंड एक्सक्लेमेटिव, थर्ड डिक्लेरेटिव एंड फोर्थ इंटरोगेटिव। फर्स्ट इज एसरेटिव। एसरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आई एम टायर्ड। सेकंड इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ डायरेक्शन और अ कमांड, फॉर एग्जांपल क्लीन योर रूम। थर्ड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ डिनर। एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट शोस स्ट्रांग इनोवेशन एंड एक्साइटमेंट, फॉर एग्जांपल आई लव पिज्जा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी। थैंक यू।